हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैच विद पीके। मेरा नाम प्रदीप कुमार जांगिड़ है और आप लोग कैसे हो फ्रेंड्स। हमारी आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की क्लास 11 की मैच चल रही थी। चैप्टर 7 हमारा चल रहा था बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय, और हमने मिस सेलिनस 7 को कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम एग्जांपल भी देख लेते हैं, और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट आ रही है कि सर चैप्टर 8 को करवाइए, चैप्टर 8 को का सोल्यूशन डालिए। तो पहले हम एग्जाम्पल तो देख लें चैप्टर 7 के, उनको तो कम्प्लीट कर लें, उसके बाद में चैप्टर 8 आने वाला है। तो एग्जाम्पल हमारे पास में 32 एग्जाम्पल हैं, तो तीन वीडियो में हम लगभग कवर कर लेंगे इन सभी। तो एग्जाम्पल 1 से लेकर 10 तक हम इस वीडियो में देख लेते हैं इनका सॉल्यूशन। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने सभी दोस्तों को, सभी क्लासमेट को, छोटी क्लास जो 9th 10th 11th 12th, तो 9th 10th 11th 12th के जितने भी बच्चे हैं, लेकिन 9th 10th छोटी क्लास होगी और आपसे बड़ी क्लास होगी 12th, उन सभी को बताएं चैनल के बारे में, क्योंकि 12th की मैथ भी शुरू कर दी है, 9th और 10th की भी शुरू कर दी है। और मुझे पता है कि 9th 10th और 12th की शुरू किए तो आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि वीडियोज़ जो है वो थोड़े लेट आ रहे हैं 11th क्लास के। तो इतनी ज़्यादा लेट भी नहीं आ रहे, सारी वीडियोज़ मैं डाल रहा हूँ, रोज़ाना एक वीडियो आप लोगों के लिए तो डालता ही हूँ। तो सबको बताएं, सबसे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे मेरा हौसला उतना ज़्यादा बढ़ेगा और मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, और फिर वीडियोज़ पर वीडियोज़ आएंगे। तो रोज़ाना आपको फिर क्या पता 2 वीडियोज़ मिलने लग जाएँ, तो इतना काम आप ज़रूर करें, सबसे चैनल को सब्सक्राइब करें, सबको बताएं, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। व्हाट्सअप नंबर का वीडियो डाला हुआ है, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर ले लें, कोई भी क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, टेलीग्राम पे जाएं, और जो भी चैनल ग्रुप बना हुआ है मैच वी पी के नाम से, उससे जुड़ जाएं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है, द्विपद प्रमेय से 2x+3y^5 का प्रसार कीजिए। एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 2x+3y^5। तो हमें एक्सपेंशन करना है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में 2x+3y^5। इसको अगर हम कंपेयर करें कि एक्सपेंशन करते हैं हम x+a^n का, तो हमारे पास में एक्सपेंशन क्या होता है, शुरू में हमारे पास में होता है nc0 और x^n-0 a^0, पूरा लिख रहा हूँ मैं कि शुरू से क्या होता है, फिर प्लस nc1 और साथ में x^n-, ये जो r की वैल्यू होती है ये घटती जाती है, तो n-1 और a^, यहाँ पर जो r की वैल्यू होती है वही होती है, तो a^ तो बढ़ती जाएगी और x^ घटती जाएगी, और प्लस nc2 x^n-2 a^2, और लास्ट में हमारे पास में क्या होगा, nc n होगा और x^ यहाँ पर हो जाएगी n-n, यानी कि 0। x^n-n का मतलब कि x^0 और a^n हो जाएगी। तो इसे कंपेयर करें तो यहाँ पर एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 2x+3y^5 का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले nc0, तो n की वैल्यू यहाँ पर होगी 5, तो 5c0, और x की जगह क्या है हमारे पास में 2x है, तो 2x^ हमारे पास में हो जाएगी 5-0, यानी कि 5, और a^0 की वैल्यू तो 1 होगी, तो प्लस nc1 5c1, तो अब बढ़ती जाएगी 5c1 5c2 इस तरह से। तो अब हमको कंपेयर करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x^n-1 है और x की जगह 2x है, तो 2x^ यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 5-1, और a^1 का मतलब है 3y^1, a की जगह 3y है, फिर प्लस nc2 तो 5c2। अब हमको कंपेयर नहीं करना, हमें यहाँ पीछे से देखना है कि 2x^5-2 होगी और 3y^2 हो जाएगी, फिर प्लस 5c3 होगा, 2x^5-3 होगा और 3y^3 होगा, फिर प्लस 5c4 होगा, 2x^5-4 होगा और 3y^4 होगा, फिर प्लस 5c5 और 2x^ यहाँ पर 5-5 0 हो जाएगा, तो 3y^5 हो जाएगी, 2x^ तो 0 होगी, 5-5 और उसकी वैल्यू 1 होगी, क्लियर है। अब देखिए सारी वैल्यूज़ को हम खोल देते हैं यहाँ पर, तो 5c0 की वैल्यू क्या होगी, देखिए nc0 ncn दोनों की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो 5c0 की वैल्यू तो 1 होगी, तो 1 × 2^5 और x^5, फिर प्लस 5c1 nc1 की वैल्यू n होती है, तो यहाँ पर 5 होगा, और इंटू में 2^4 होगी, 2^4 x^4 और 3y साथ में मल्टीप्लाई में, फिर प्लस 5c2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो ऊपर लिखेंगे फैक्टोरियल 5,
नीचे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2 होगा, और 2 की पावर 3 एक्स की पावर 3, 5 माइनस 2 कितना होगा 3 होगा, और 3 की पावर 2 वाई स्क्वायर साथ में होगा, फिर प्लस 5c3 और 5c2 दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है, दोनों का योग क्या है 5 है, तो अगर योग दोनों का सेम n की वैल्यू है दोनों का योग r जो है r1 r2, तो दोनों की वैल्यू सेम होती है क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 5c3 को 5c5-3 और वो 2 होगा यहाँ पर 5-3, तो ये वैल्यू हो जाएगी। फिर भी हम लिख लेते हैं फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5-3, और 2 की पावर मल्टीप्लाई में होगी 2 और एक्स की पावर भी 2 हो जाएगी, 5-3 2 बनेगा, 3 की पावर 3 होगी और वाई की पावर 3 होगी, फिर प्लस 5c4 और 5c1 दोनों की वैल्यू सेम होगी और वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, और 2 की पावर 5-4 1 होगा तो 2 एक्स ही आएगा, 5-4 1 होगा तो 2 की पावर 1 2 बनेगा, एक्स की पावर 1 एक्स बनेगा, 3 की पावर यहाँ पर हो जाएगी 4 और वाई की पावर भी 4, फिर प्लस 5c5 5c0 दोनों की वैल्यू सेम होगी, कितनी होगी 1 होगी, तो 1 आ जाएगा और 3 की पावर 5 और वाई की पावर 5। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास में एक्सपेंशन क्या होगा, देखिए 1 × 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 32 32, तो 32 एक्स की पावर 5 पहला पद तो हमारे पास में ये हो गया। उसके बाद में दूसरे पद की बात करें, दूसरे पद में देखिए वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, 5 × 2 की पावर 4 होता है 16 और 16 × 3, तो हम क्या करते हैं देखिए 5 × 2 एक 2 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 10 और यहाँ पर पावर बची 3, 2 की पावर 3 हो गया कितना 8 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये वैल्यू हो जाएगी 24, तो 10 × 24 आसान रहेगा क्योंकि 2 की पावर 4 में हमें पता 4 2 है मल्टीप्लाई में, एक 2 हमने 5 के साथ में ले लिया तो वो हो गया 10, बाकी बचे 3 उनका मल्टीप्लिकेशन 8 होगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 हो गया, और x की पावर 4 y साथ में मल्टीप्लाई में है। फिर अगली स्टेप में देखिए प्लस फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, कोई दिक्कत नहीं है, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है और 5-2 होगा 3, तो फैक्टोरियल 3 बनेगा, 2 की पावर 3 है ऊपर मल्टीप्लाई में और 3 की पावर 2 है मल्टीप्लाई में, और साथ में x क्यूब y स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 3 से तो फैक्टोरियल 3 चला जाएगा और 2 से हम 2 की पावर 3 है तो एक पावर कम हो जाएगी यानी कि 2 की पावर 2 बचेगी। अब इन सभी को हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस फैक्टोरियल 5 है उसको हम लिख सकते हैं 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 है और इंटू में 5-3 कितना होगा 2, तो फैक्टोरियल 2 बनेगा, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है और इंटू में 2 का स्क्वायर और इंटू में 3 का क्यूब और साथ में मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर वाई क्यूब होगा। यहाँ पर फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 जाएगा और एक 2 से 2 चला जाएगा। फिर अगली स्टेप में हमारे पास में वैल्यू है 5 × 2 10 बनेगा और 3 की पावर 4, तो 5 × 2 तो 10 हो गया, 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी 81 होगी, ये 81 हो गई और एक्स और वाई की पावर 4, फिर प्लस 3 की पावर 5 कितना होगा देखिए 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी है 81, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू होगी 3 और 8 × 3 कितना होता है 8 × 3 24, और y की पावर 5 साथ में है तो 3 की पावर 5 की वैल्यू 243 होता है, ये आप याद भी रख सकते हो। अब देखिए हमारे पास में वैल्यूज क्या क्या आएंगी, सबसे पहले तो पहले पद में आ रहा है 32 एक्स की पावर 5, फिर दूसरे पद में हमारे पास में वैल्यू आ रही है 240 और एक्स की पावर 4 इंटू वाई, तीसरे पद में देखिए वैल्यू क्या आएगी 5 × 4 कितना होगा 20 होगा और 20 × 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 20 × 4 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा और 80 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 का स्क्वायर से, 3 का स्क्वायर होगा 9, अब 80 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 और साथ में 0 आ जाएगा और x क्यूब y स्क्वायर, फिर प्लस और यहाँ से भी यही वैल्यू आने वाली है
720 यहाँ से भी सेम वैल्यू आने वाली है, नहीं माफ कीजिए यहाँ पर ये वैल्यू तो सेम होगी लेकिन 3 की पावर यहाँ पर 3 दी हुई है तो हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगा सभी को। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 5 × 4 तो हो गया 20, 20 × 2 हो गया 40, तो 40 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 की पावर 3 यानी कि 27 से, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और 27 × 54 = 108 होते हैं यानी 1080 हो गया है। तो 1080 1080 और साथ में x स्क्वायर y क्यूब, फिर अगली स्टेप में ये होगा 810 और x y की पावर 4 प्लस 243 243 y की पावर 5, ये हमारे पास में एक्सपेंशन होगा इसका, क्लियर है। एग्जांपल नंबर 2 में देखिए 2x प्लस 1 अपॉन x की पावर हमें दी हुई है 4 का प्रसार कीजिए, एक्सपेंड करना इसको 2x प्लस 1 अपॉन x रेस टू पावर 4। तो इसके एक्सपेंशन को हम कंपेयर करें किससे, x प्लस a की पावर 4 की एक्सपेंशन से या x प्लस a की पावर n की एक्सपेंशन से। तो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू क्या होगी, एन सी जीरो से स्टार्ट होता है, x की पावर n होती है, फिर प्लस एन सी वन x की पावर n माइनस 1 a और इस तरह से वैल्यू चलती जाती है, लास्ट में एन सी एन होता है और a की पावर n होती है, x हट जाता है लास्ट में। तो बिल्कुल कंपेयर करेंगे तो 2x प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 के बराबर में क्या होगा, n की वैल्यू 4 है तो 4c0 और x की जगह यहाँ पर 2x है तो 2x की पावर हो जाएगी 4, फिर प्लस 4c1 और 2x की पावर 4 माइनस 1 और a की जगह 1 अपॉन x है तो 1 अपॉन x हो जाएगा। फिर अगली स्टेप में 4c2 होगा, 2x की पावर होगी 4 माइनस 2 और 1 अपॉन x की पावर 2 हो जाएगी। और अगली स्टेप में 4c3 2x की पावर 1x 2x जो है वो तो कम होता जा रहा है, उसकी पावर तो कम होती जा रही है, 4 माइनस 3 और कम हो गया और 1 अपॉन x की पावर बढ़ती जाएगी तो 1 अपॉन x की पावर हो गई 3, फिर प्लस लास्ट में 4c4 होगा, 2x की पावर 4 माइनस 4 और 1 अपॉन x की पावर 4 तो 4c0 की वैल्यू 1 होगी तो 1 × 2 की पावर 4 x की पावर 4। फिर दूसरे पद में देखिए 4c1 की वैल्यू 4 होगी, 2 की पावर 3 और x की पावर 3 into 1 upon x। फिर अगली स्टेप में देखिए 4c2 की वैल्यू होती है 6, तो 6 × 2 की पावर 2 और x की पावर 2, 4 माइनस 2 होगा इंटू में 1 upon x square होगा, 1 upon x की पावर 2 1 upon x square हो गया। फिर प्लस 4c3 की वैल्यू वही होगी जो 4c1 की होगी क्योंकि 1 प्लस 3 हो रहा है 4, तो सेम वैल्यू होगी और सेम वैल्यू है यहाँ पर 4 और इंटू में 2 की पावर यहाँ पर देखिए 4 माइनस 3 1 बनेगा तो 2 की पावर 1 यानी 2 और x और इंटू में 1 अपॉन x क्यूब होगा। और अगली स्टेप में 4c4 की वैल्यू 1 होगी, 2 की पावर 0 x की पावर 0 इनकी वैल्यू 1 होगी और इंटू में 1 अपॉन x की पावर 4 हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास में वैल्यूज क्या क्या होंगी, 2 की पावर 4 होती है 16 x की पावर 4 और यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होती है तो 32 हो गया और यहाँ पर बचेगा ऊपर x स्क्वायर क्योंकि एक x कट जाएगा, ऊपर x स्क्वायर ही बचेगा और 6 × 4 कितना होगा 24 और x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर 4 × 2 हो जाएगा 8 और नीचे बचेगा अक्स स्क्वायर, एक अक्स कटेगा तो इन अपॉन में अक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस अक्स 1 upon x की पावर 4 तो ये हमारे पास में एक्सपेंशन होगा, क्लियर है। एग्जांपल नंबर 3 में देखिए 1 √5 raised to 5 प्लस 1 − √5 raised to 5 का मान याद कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 √5 raised to 5 प्लस 1 − √5 raised to 5 तो हमें इसका मान याद करना है 1 √5 उसकी पावर 5 है और प्लस 1 − √5 उसकी पावर 5 है। यहाँ पर 1 + x की पावर n की फॉर्म बन रही है दोनों बीजी व्यंजक में, तो दोनों का एक्सपेंशन करेंगे तो इसको कंपेयर करेंगे 1 + x की पावर n से और इसका एक्सपेंशन क्या होता है 1 + nc1 x + nc2 x² इस तरह से वैल्यू होती है x² और लास्ट में हमारे पास में होता है nc n x की पावर n, यही होता है।
तो कंपेयर करेंगे दोनों को, तो दोनों का एक्सपेंशन हम खोल देते हैं, 1 + √5 / 5 + 1 - √5 / 5 तो बराबर क्या होगा इसके। सबसे पहले इसका एक्सपेंशन खोलेंगे, तो 1 + NC1 तो 5C1 अक्स की जगह यहाँ पर √5 है तो √5 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर प्लस और NC2 तो 5C2 और √5 का स्क्वायर, फिर प्लस 5C3 और √5 का क्यूब, फिर प्लस 5C4 और √5 / 4, फिर प्लस 5C5 √5 / 5। यहाँ तक ही होगा 5C5 तक ही। उसके बाद में इसका एक्सपेंशन खोलेंगे, तो शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से होगी, तो 1 और यहाँ पर जहाँ पर √5 / 5 जो होगी वो ऑड नंबर में होगी, वो पद जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर दूसरा जो पद होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि इसमें √5 / 1 होगी, तो 1 - 5C1 और √5, उसके बाद में प्लस 5C2 √5 का स्क्वायर, फिर माइनस 5C3 √5 का क्यूब, फिर प्लस 5C4 √5 / 4 और माइनस 5C5 √5 / 5। ऐसा क्यों हो रहा है, जहाँ पर ऑड पावर है ना वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस बाहर ले लिया है। अगर हम साथ में लेंगे कि -√5 तो माइनस की जहाँ पावर ऑड नंबर में है वहाँ पर माइनस माइनस ही रहेगा, इसलिए मैंने जहाँ पर पावर ऑड नंबर में है वहाँ पर मैंने माइनस को बाहर ले लिया। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज कट रही हैं उनको हम काट देते हैं, जैसे माइनस का 5C1 √5 ये कट रहा है, 5C1 √5 से ये प्लस का है, और ऑड नंबर में जो पावर है वो सभी कट जाएंगे, तो ये कटेगा इसके साथ और ये कटेगा इसके साथ, बचेगा क्या देखिए, 1 + 1 हो गया 2, उसके बाद में यहाँ पर 5C2 √5 का स्क्वायर सेम वैल्यू है, तो इसमें भी दोनों को 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 × 5C2 √5 का स्क्वायर, फिर प्लस 5C4 तो 2 × 5C4 √5 / 4, क्योंकि यहाँ पर एक और आ रहा है तो 1 + 1 2 हो जाएगा ही, बाकी सारे कट ही चुके हैं, 1 + 1 आ ही चुका है, सभी में 2 कॉमन आ रहा है वैसे, तो हम 2 कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 5C2 √5 का स्क्वायर होता है 5, फिर यहाँ पर देखिए 2 कॉमन आ गया तो 5C4 और √5 / 4 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 5 का स्क्वायर बनेगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। क्यों बनेगा ये आप लोगों को बताने की आवश्यकता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूँ, √5 जो होता है वो पावर होती है 1/2 और उसकी पावर हमारे पास में 4 दी हुई है, तो 4 ऊपर है मल्टीप्लाई होंगे दोनों तो यहाँ पर 2 आएगा, और 5 का स्क्वायर कितना बनेगा, 25 बनेगा, क्लियर है, इस तरह से ये बनती है। तो अब वैल्यूज निकाल लेते हैं सभी की, वैल्यूज क्या क्या होंगी, देखिए 1 + 5C2 को लिखेंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 5 - 2 और इनटू में 5, फिर प्लस 5C4 की वैल्यू 5 ही होगी क्योंकि NC(n-1) की वैल्यू n होती है, 5C4 की फिर भी निकाल लेते हैं, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 × 5 - 4 का फैक्टोरियल × 25, तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यूज आएंगी, 2 बार मल्टीप्लाई में 1 + फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होगी और इंटू में 5 - 2 फैक्टोरियल 3 बनेगा यहाँ पर इंटू में 5, फिर प्लस फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे 5 × फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 है इंटू में फैक्टोरियल 1, 5 - 4 1 बनेगा तो फैक्टोरियल 1 × 25, तो यहाँ से फैक्टोरियल 4 से 4 जाएगा, फैक्टोरियल 3 से 3 जाएगा, 2 से 4 जाएगा तो वैल्यू आएगी 2 और कुछ नीचे नहीं बच रहा, तो ये वैल्यू हमारे पास में आ रही है, तो 2 बार मल्टीप्लाई में ही 1 प्लस यहाँ पर देखिए 5 × 2 होगा 10 और 10 5 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 50, फिर प्लस 5 × 25 होगा 125, सभी को जोड़ देते हैं तो वैल्यू कितनी होगी, देखिए 5 = 1 = 6 हो गया और 2 = 5 = 7 हो गया और साथ में 1 हो गया 1 = 7 = 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 = 5 और साथ में हो जाएगा 3, 352 ये हमारे पास में हमारा राइट आंसर होगा, क्लियर है।
एग्जाम्पल नंबर फोर में देखिए क्या कह रहा है। द्विपद प्रमेय से 10.1 raised to power 5 का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10.1 raised to 5 बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो इसका मान हमें निकालना है 10.1 raised to 5। इसको हम लिख सकते हैं, 10 को हम अलग कर लें और 0.1 को अलग कर लें और उसकी पावर 5 हम लिख सकते हैं इसको। तो अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, 10 की जगह यहाँ पर x हो जाए और 0.1 की जगह a हो जाए। तो x प्लस a की पावर n की एक्सपेंशन से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। और एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, शुरुआत होती है nc0 से और x की पावर n, फिर प्लस nc1 x की पावर n-1 a, और प्लस nc2 x की पावर n-2 a स्क्वायर, और लास्ट में हमारे पास में होता है ncn और x की पावर n-n और a की पावर n। ये वैल्यू होती है, और x की पावर n-n को हम हटा सकते हैं, केवल a की पावर n मल्टीप्लाई में हम ले सकते हैं क्योंकि n-n तो जीरो होगा। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो 10 प्लस 0.1 रेस टू 5 इक्वल्स टू क्या होगा, nc0, n की वैल्यू है 5, तो 5c0, x की जगह 10 की पावर 5। पहली स्टेप तो ये होगी, पहला जो पद होगा वो ये होगा, उसके बाद में 5c1 और x की जगह 10, तो 10 की पावर 5-1, a की जगह हमारे पास में 0.1 है तो 0.1 की पावर 1, यानी कि ये वैल्यू होगी। फिर प्लस nc2, 5c2, तो अब ये वैल्यू बढ़ती जाएंगी, तो 5c2 और 10 की पावर 5-2 और 0.1 का स्क्वायर, प्लस 5c3, 10 की पावर 5-3, 0.1 की पावर 3, फिर प्लस 5c4, 10 की पावर 5-4 और 0.1 की पावर 4, और लास्ट में होगा 5c5 और 0.1 की पावर 5 हो जाएगी। तो वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, लास्ट में 10 की पावर नहीं आएगी क्योंकि 5-5 पावर में 0 बनेगा, और पावर में 0 है तो वैल्यू 1 होती है, हमें पता ही है। 5c0 की वैल्यू तो 1 होगी, तो 1 × 10⁵। फिर प्लस 5c1 की वैल्यू 5 होगी, nc1 की वैल्यू n होती है, 10 की पावर बनेगी 4, 10 की पावर 4 हो गई, मल्टीप्लाई में 0.1 है। फिर प्लस 5c2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं क्या होगी, तो ऊपर तो होगा फैक्टोरियल 5, नीचे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, 5-2 3 बनेगा, और 10 की पावर यहाँ पर हो जाएगी 3 और 0.1 की पावर 2। फिर प्लस 5c3, तो 5c3 की वैल्यू भी यही होगी, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, इंटू में 10 की पावर हमारे पास में 2 होगी और 0.1 की पावर 3। फिर प्लस 5c4 और 5c1 दोनों की वैल्यू सेम टू सेम होगी, क्यों, क्योंकि 1 प्लस 4 कितना हो रहा है, n बन रहा है, 5 बन रहा है, और 5c4 की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, तो 5 × 10 बनेगा, 5-4 1 बनेगा, 10 की पावर 1 10 हो गया, और इंटू में 0.1 की पावर हो गई 4। अब देखिए वैल्यूज क्या क्या आने वाली है, 10 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 1 के साथ में 5 जीरो हमें लगाने पड़ेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे पास में 1 lakh हो गया। फिर प्लस 5 × 10 की पावर ये कितनी होगी, 10 की पावर 4 है तो 1 के साथ में 4 0, ये 4 0 हो गए, 1, 2, 3, 4 और इंटू में 0.1। उसके बाद में प्लस फैक्टोरियल 5 पर इसको हम लिख सकते हैं 5 × 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होगी और इंटू में फैक्टोरियल 3 है और इंटू में 10 raised to 3 है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 3, 0, 1 के साथ में, और इंटू में 0.1 का स्क्वायर है, तो एक पे पॉइंट है तो स्क्वायर में 2 पे पॉइंट लगेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 0.01 हो जाएगा, 2 पे पॉइंट लगेगा, एक जीरो हमने बढ़ा दिया। फिर प्लस रूट 5 को लिखेंगे, 5 × 4 इंटू फैक्टोरियल 5 को लिख रहे हैं और फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 है और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होगी, 10 का स्क्वायर होगा 100, तो ये 100 हो गया, इंटू में 0.1 का क्यूब है, एक पे पॉइंट लगाओ, क्यूब में 3 पे लगेगा और एक का क्यूब एक ही होता है, तो 0.001 हो जाएगा। फिर प्लस 5 × 10 और साथ में 0.1 की पावर 4 है, तो 4 पे पॉइंट लगेगा, तो
0001 ये वैल्यू होगी। क्लियर है, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में जोड़ेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया 1 लाख, तो 1 लाख हो गया। फिर प्लस 0.1 है तो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो चला जाएगा यहाँ पर, तो वैल्यू कितनी होगी देखिए, ये 1000 बचा और 1000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5000 हो गया, ये तो 1 है। फिर प्लस फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे तो वैल्यू होगी 2, 5 × 2 होगा 10, तो 10 होगा तो यहाँ पर देखिए 2 पे पॉइंट लगा हुआ तो 2 जीरो चली जाएंगी, तो 10 × 10 100 बनेगा, तो ये 100 जुड़ जाएगा। फिर प्लस फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 चला जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे वैल्यू होगी 2, यहाँ पर 3 पे पॉइंट लगा हुआ है 2 जीरो तो ये चले जाएंगे, 5 × 2 10 बनेगा, एक जीरो वो चला जाएगा, बचेगा 1, तो प्लस 1 हो गया। फिर प्लस 5 × 10 और 0.0001, यहाँ पर 10 है तो एक पॉइंट किसकेगा राइट हैंड साइड में, तो 3 पे पॉइंट होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 0.005 हो जाएगा 3 पे, ये वैल्यू हमारे पास में होगी, यही होगी। और लास्ट में हमारे पास में एक पद और रह गया, क्या पावर 5 थी, तो 1, 2, 3, 4, 5 एक पद रह गया, ये वाला, ये हमने नहीं लिखा तो इसको भी हमें लिखना पड़ेगा, तो लास्ट में यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 5c5 की वैल्यू तो हमारे पास में होगी 1, तो 1 × 0.1 की पावर 5, तो 0.00005 पे पॉइंट लगेगा एक पे, तो साथ में ये भी आएगा, यानी कि 0.00001, तो प्लस 0.00001 हो गया। इन सभी को हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ना स्टार्ट करते हैं, 1 लाख है सबसे पहले तो, और 5000 है, 5000 हो गया, 100 है, 100 हो गया, 1 है, फिर पॉइंट में है, तो पॉइंट में वैल्यू क्या है 0.005 और लास्ट में है 0.00001, तो जोड़ेंगे सभी को, तो 1, 0, 5, 0, 0, 1 फिर 0, फिर 1, फिर 5, फिर 0, फिर 1, तो आंसर हमारा होगा 1051001005 01, और पॉइंट कहाँ पर लगेगा देखिए, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यानी कि 1 से पहले, तो ये पॉइंट हो गया, ये हमारे पास में आंसर आएगा। क्लियर है, देखिए एग्जांपल 5 में क्या कह रहा है, x प्लस ए की पावर n के विस्तार में यदि a विषम पदों का योग तथा b सम पदों का योग हो तो सिद्ध कीजिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए रेज टू पावर n, इफ a इज सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड b इज सम ऑफ इवन टर्म्स देन प्रूव दैट। तो नंबर फर्स्ट में देखिए क्या प्रूव करवा रहा हमसे, हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसकी पावर n, ये लेफ्ट हैंड साइड में भी दिया हुआ है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। अब यहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, देखिए कैपिटल ए जो है वो विषम पदों का योग है और बी जो है वो सम पदों का योग है एक्स प्लस ए की पावर एन के एक्सपेंशन में, यानी कि एक्स प्लस ए की पावर का पावर एन का एक्सपेंशन क्या होगा, ए प्लस बी होगा, क्योंकि आधे सम होंगे आधे विषम होंगे, तो इसका तो एक्स प्लस ए की पावर एन का तो एक्सपेंशन ए प्लस बी होने वाला है, आधे सम आधे विषम पद होंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर एन हमें दी हुई है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो बिल्कुल वैसे हमें करना है, इसको चेंज करना है एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, और पूरे भी पावर हम लगा देंगे, पावर एन हमारे पास में तो ये पावर लगा दी, पावर एन को अलग अलग कर लेंगे दोनों पे, तो एक्स माइनस ए की पावर एन हो गया और एक्स प्लस ए की पावर एन हो गया, दोनों का एक्सपेंशन हम खोलेंगे, तो एक्स माइनस ए की पावर एन का एक्सपेंशन खोलेंगे तो एन सी जीरो एक्स की पावर एन, फिर प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर वन, और यहाँ पर ये ध्यान में रखिए जहाँ पर ए की पावर ओड होगी यानी कि 1, 3, 5 इस तरह से होगी वहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि माइनस का माइनस की पावर 1 होगी तो माइनस ही रहेगा, माइनस की पावर 3 होगी तो माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पर जो प्लस है इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह हमारे पास में माइनस आएगा। क्लियर है, फिर प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर, फिर माइनस होगा एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री ए की पावर 3, फिर प्लस होगा और लास्ट में एन सी
एन और ए की पावर एन, लेकिन साथ में यहाँ पर हमें पता नहीं कि लास्ट में एन सम है कि विषम है, तो हम क्या करेंगे माइनस वन की पावर एन कर देंगे मल्टीप्लाई में, तब हमें पता चल जाएगा अगर एन सम होगा तो ये प्लस हो जाएगा, एन विषम है तो माइनस का माइनस रहेगा, क्लियर है। और एक्स प्लस ए की पावर एन का एक्सपेंशन क्या होगा, आधे सम है आधे विषम है तो आधे तो ए हो गए और आधे हो गए बी, तो ए प्लस बी होगा, इसका जो एक्सपेंशन होगा उसकी वैल्यू ए प्लस बी हो गई। अब यहाँ पर इस एक्सपेंशन की बात करते हैं, देखिए पहला पद तीसरा पद फिर पांचवा पद ये सारे विषम पद हैं, विषम पदों का योग यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। देखिए ये सेम टू सेम होंगे, जो एक्स प्लस ए की पावर एन में है विषम पद वही इसमें आ रहे हैं, वही होंगे, बस प्लस माइनस का चिन्ह का ही तो फर्क है और कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, बाकी एक्स और ए तो सेम टू सेम है। तो हम इनको एक जगह कर लेते हैं, यानी कि एन सी जीरो एक्स की पावर एन, फिर प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर, और लास्ट में हमारे पास में जो भी होगा वो होगा, और साथ में प्लस होगा, और जो नेगेटिव वाले हैं यानी कि जो दूसरा चौथा छठा जो पद होगा सम पद होंगे वो एक जगह कर लेते हैं, तो इन सभी में माइनस कॉमन आएगा, देखिए माइनस माइनस सभी माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस को हम कॉमन ले ही लेते हैं पहले ही, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारे पास में माइनस आ गया बाहर, तो सभी प्लस में रह जाएंगे, तो एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए, फिर प्लस एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री ए क्यूब, और लास्ट में हमारे पास में ये वैल्यू होगी कि नहीं ये तो एन पे डिपेंड करता है कि एन सम है कि विषम है, और साथ में मल्टीप्लाई में होगा ए प्लस बी, क्लियर है। अब पहले आप एक्सपेंशन करना चाहें एक्स प्लस ए की पावर एन का तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया ए प्लस बी, क्योंकि हमें पता है कि आधे विषम होंगे आधे सम होंगे तो ए प्लस बी होने वाला है, तो ये वैल्यू तो किसकी होगी ए की होगी या बी की होगी हमें डिसाइड करना पड़ेगा, तो ए यहाँ पर क्या है विषम पदों का योग है, ये विषम पदों का योग है, ये देखिए विषम पद है कि सम पद है, पहला पद फिर ये तीसरा पद है तो ये विषम पद है वन थ्री फाइव, तो विषम पद है और ये विषम पदों का योग है, तो ये तो ए हो गया, फिर माइनस ये हो गए बी, तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी और साथ में ए प्लस बी, लेकिन क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा फॉर्मूले से, और राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही चाहिए, तो ये हमारे पास में प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर जो पॉइंट दिया है उसमें क्या प्रूफ करना है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में एक्स प्लस ए की पावर टू एन, और इससे फिर माइनस है एक्स माइनस ए की पावर टू एन, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेकर आना हमें फोर ए बी, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करें थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, हम इसमें फॉर्मूला बना सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला हम बना सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, उसके बराबर हमें पता है ए माइनस बी ए प्लस बी होता ही है। अब बनाएं कैसे ये फॉर्मूला, तो देखिए एक्स प्लस ए की पावर एन को तो हम अंदर ले लें पावर एन जो है, और ए स्क्वायर को हम बाहर ले लें, ऐसे ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो टू एन ही बनेगा, और यहाँ पर भी ऐसे ही ले सकते हैं एक्स माइनस ए की पावर हम ले लें एन और बाहर ले लें पावर टू, तो अब ये ए है और ये बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो कर देते तो ए माइनस बी करेंगे तो ए की वैल्यू तो है एक्स प्लस ए की पावर एन और माइनस एक्स माइनस ए की पावर एन हो गया, ये होगा साथ में, फिर मल्टीप्लाई में क्या होगा एक्स ए प्लस बी, ए की वैल्यू है एक्स प्लस ए की पावर एन और प्लस एक्स माइनस ए की पावर एन। अब हम पीछे वैल्यूज देख चुके हैं कि एक्स माइनस ए की पावर एन का जो एक्सपेंशन है वो तो ए माइनस बी है, और एक्स प्लस ए की पावर एन का जो एक्सपेंशन है वो ए प्लस बी है, ए वैल्यू आई थी लास्ट में, एक्स माइनस ए की पावर एन का एक्सपेंशन ए माइनस बी आया था और एक्स प्लस ए की पावर एन का एक्सपेंशन ए प्लस बी आया था, तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो एक्स प्लस ए की पावर एन तो हो गया ए प्लस बी, क्लियर है, और माइनस ये हो गया ए माइनस बी, और साथ में यहाँ पर क्या होगा ए प्लस बी और प्लस ए माइनस बी, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ए माइनस बी को, तो ए प्लस बी और माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी हो गया, और यहाँ पर ए प्लस बी
प्लस ए माइनस बी हो गया। तो बी से बी कटेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ए से ए कटेगा, तो ये हो गया बी प्लस बी टू बी, और ये हो गया ए प्लस ए टू ए, तो इंटू में टू ए, तो टू इंटू टू फोर और ए बी, और ये हमारे पास में राइट हैंड साइड होगी। फोर ए बी हमें प्रूफ करना था, तो फोर ए बी हो गया, क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर सिक्स में देखिए क्या कर रहा है, ए बाई टू माइनस बी अपॉन थ्री रेस टू एट के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। फाइंड मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए बाई टू माइनस बी अपॉन थ्री रेस टू पावर एट। देखिए यहाँ पर मध्य पद की बात हो रही है, मिडिल टर्म की बात हो रही है, तो सबसे पहले देखेंगे प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी, सम होगी कि विषम होगी। तो पावर एट है तो प्रसार में हमारे पास में पदों की संख्या एक ज़्यादा होती है, तो प्रसार में पद कितने होंगे, एट प्लस वन यानी कि नाइन, और नाइन क्या होता है, नाइन होता है विषम। अगर प्रसार में पदों की संख्या विषम है तो एक ही मध्य पद होगा, और वो मध्य पद कौन सा होगा, एन जो हमारे पास में पावर जो है उसमें हम दो जोड़ेंगे और दो का देंगे भाग, तो दस बट्टे दो यानी कि पाँचवा पद होगा, और पाँचवें पद को हम रिप्रेजेंट करेंगे टी फाइव से, और टी फाइव हम निकालेंगे यहाँ पर, तो टी फाइव को लिखेंगे टी फोर प्लस वन, टी आर प्लस वन की फॉर्म से, तो टी आर प्लस वन की फॉर्म यहाँ पर लगाएंगे, तो आर की जगह तो फोर होगा, एन की जगह एट है, तो एट सी फोर, और ए बाई टू की पावर होगी एट माइनस फोर, और माइनस बी बाई टू की पावर होगी हमारे पास में जो आर की वैल्यू है यानी कि फोर। तो यहाँ से मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, एट सी फोर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो ऊपर तो फैक्टोरियल एट होगा, नीचे फैक्टोरियल फोर इंटू फैक्टोरियल एट माइनस फोर, और इंटू में ए की पावर यहाँ पर कितनी बनेगी, एट माइनस फोर फोर बनेगी, और टू की पावर नीचे फोर बनेगी, और माइनस की पावर फोर है तो ये तो प्लस हो गया, बी की पावर फोर साथ में हो जाएगी और टू की पावर फोर हो जाएगी, माफ़ कीजिए यहाँ पर थ्री है जी, बी अपॉन थ्री था, तो हमने ये मिस्टेक की है यहाँ पर, ये थ्री होगा तो थ्री की पावर फोर होगी, क्लियर है। तो वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, देखिए फैक्टोरियल एट को खोलेंगे, एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर बनेगा, और नीचे फैक्टोरियल फोर को खोलेंगे, फोर इंटू थ्री इंटू टू, और इंटू एट माइनस फोर कितना होगा, फोर बनेगा, तो फैक्टोरियल फोर बन जाएगा, इंटू ए की पावर फोर बी की पावर फोर अपॉन टू की पावर फोर इंटू थ्री की पावर फोर। तो यहाँ से काटेंगे हम फोर इंटू टू तो होगा एट, थ्री से सिक्स को काटेंगे तो वैल्यू होगी टू, फैक्टोरियल फाइव, फोर से फैक्टोरियल फोर जाएगा, तो बचा क्या ऊपर हमारे पास में फाइव इंटू टू टेन बचा, और नीचे हमारे पास में क्या, टू की पावर फोर इंटू थ्री की पावर फोर, तो टेन में से एक टू चला जाएगा, तो टू की पावर फोर की जगह टू की पावर थ्री बचेगी, तो फाइव अपॉन टू की पावर थ्री की वैल्यू होती है एट इंटू थ्री की पावर फोर की वैल्यू होती है एट्टी वन, और ए की पावर फोर बी की पावर फोर हो गया, साथ में सेवन भी मल्टीप्लाई में माफ कीजिए, तो इंटू में सेवन हो गया, सेवन इंटू फाइव हो गया थर्टी फाइव, अपॉन एट को मल्टीप्लाई करेंगे हम एट्टी वन से, तो एट, और ये हो गया सिक्सटी फोर, और ए की पावर फोर बी की पावर फोर, ये हमारे पास में वो मिडिल टर्म होगा, क्लियर है। एग्जाम्पल सेवन में क्या कर रहा है, देखिए सीधी कीजिए कि वन प्लस एक्स रेस टू पावर टू एन के विस्तार में मध्य पद वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू 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 टू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन, और टू की पावर एन एक्स की पावर एन है। प्रूफ दैट मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स रेस टू टू एन इज वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू 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 टू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन, और इंटू में टू की पावर एन एक्स की पावर एन, ये हमें प्रूव करना है मिडिल टर्म, और हमारे पास में जो एक्सपेंशन है वो वन प्लस एक्स की पावर टू एन है, तो वन प्लस एक्स की पावर टू एन में मध्य पद कौन सा होगा, सबसे पहले तो वो देखेंगे, तो प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी, प्रसार में पदों की संख्या देखिए यहाँ पर टू एन तो सम संख्या है, और टू एन प्लस वन होगी, एक ज़्यादा होती है प्रसार में पदों की संख्या, तो टू एन प्लस वन विषम हो जाएगी। अब टू एन सम क्यों है, क्योंकि टू से मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर टू जो वो मल्टीप्लाई में है, तो ये सम है, एक जोड़ते ही विषम हो गया, विषम अगर प्रसार में पदों की संख्या है तो मध्य पद एक ही होता है, और वो मध्य पद कौन सा होगा, पावर हमारे पास में टू एन है, तो टू एन में टू जोड़ेंगे और उसमें टू का देंगे भाग, टू से टू कटेगा, तो एन प्लस वन वा पद जो होगा वो हमारे पास में मध्य पद होगा, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टी एन प्लस वन से, क्लियर है। टी एन प्लस वन पद हमें अब निकालना है, और टी एन प्लस वन पद हमें वन प्लस एक्स की पावर टू एन के एक्सपेंशन में निकालना है, तो टू एन सी और r की जगह यहाँ पर n है, तो 2n cn, और x की पावर ये जो r होता है यहाँ पर n है, तो x की पावर n होगा,
तो इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू हमारे पास में आ रही है इसके बराबर में हमें ये मध्य पद लेकर आना जो हमें दिया हुआ है, ये हमें प्रूव करना है। तो 2nCn के बराबर में हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इनटू फैक्टोरियल 2n माइनस n, यही होगा। और x की पावर n तो हमें चाहिए, तो इसको ऐसा जैसा रखेंगे तो x की पावर n। अब हम फैक्टोरियल 2n की वैल्यू को निकालेंगे, तो 2n इनटू 2n माइनस 1, एक कम होते जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, और लास्ट में हमारे पास में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से होगा। लास्ट में तो 1 आता ही है फैक्टोरियल में, और फैक्टोरियल n ऐसा का सारण देते हैं, और 2n माइनस n क्या होगा, फैक्टोरियल n होगा, 2n माइनस n n बनेगा, फैक्टोरियल लगा हुआ है तो फैक्टोरियल n इंटू मैक्स की पावर n साथ में है ही। अब देखिए ये जो वैल्यूज हमारे पास में आ रही हैं इनमें कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिनको हम अलग कर लेते हैं, कैसे, 2n ये सम संख्या है, 2n माइनस 2 भी सम होगा, 2n माइनस 4 भी सम होगा, इन सभी को हम एक साथ कर लेते हैं। तो 2n इंटू 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, और लास्ट में हमारे पास में 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 हो गया। तो ये तो हमने अलग कर ली मल्टीप्लाई में, हालांकि ये सारी तो मल्टीप्लाई में कोष्टक के बीच में कुछ भी नहीं आता है। तो 2n माइनस 1 ये अलग हो जाएंगे हमारे पास में, तो 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3, और लास्ट में 5 इंटू 3 इंटू 1, क्लियर है, ये वैल्यूज होगी। बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, छोटा कोष्टक तो हमने अंदर लिया है। और नीचे हमारे पास में देखिए फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n है, एक फैक्टोरियल n की हम फैक्टोरियल को खोल दें तो हमें पता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और लास्ट में हमारे पास में क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये वैल्यू होगी, क्लियर है। और फैक्टोरियल n जो है दूसरा, उसको हम ऐसा कैसे रहने देते हैं, और इंटू मैक्स की पावर n, क्यों रहने देते हैं, क्योंकि नीचे हमें एक फैक्टोरियल n चाहिए, तो इसलिए हम उसको ऐसा कैसा रहने देते हैं। इन सभी में 2 कॉमन आ रहा है, और नीचे फैक्टोरियल n है, इसका मतलब 2 जो होगा वो n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। देखिए सभी में 2, यहाँ पर भी 2 कॉमन आएगा, यहाँ पर भी 2, तो n टाइम्स ये मल्टीप्लाई में वैल्यूज हैं, तो n टाइम्स हैं, तो 2 की पावर n यहाँ पर कॉमन आ रही है बेसिकली, क्योंकि सभी में 2 2 2 इस तरह से कॉमन आएगा, तो n टाइम 2 जो होगा मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर 2 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या कहते हैं, 2 की पावर 3 है, तो n टाइम्स 2 मल्टीप्लाई है तो 2 की पावर n हो जाएगा। और अंदर क्या बचेगा, n इंटू n माइनस 1, यहाँ पर n माइनस 1 बचेगा, यहाँ पर n माइनस 2 बचेगा, n माइनस 2, और लास्ट में 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 बचा। और इससे पहले 6 था, 6 में 2 कॉमन आया तो 3 बचा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। और साथ ही मल्टीप्लाई में हमारे पास में देखिए ये जो वैल्यूज है इनको हम उल्टा लिख लें, यानी कि 1 इंटू 3 इंटू 5, और लास्ट में क्या होगा, 2n माइनस 1, मल्टीप्लाई में है तो पहले वाले बाद में लिखे हैं, बाद वाले पहले में कोई फर्क नहीं पड़ता, और 2n माइनस 1 ये हमारे पास में लास्ट में है, तो शुरू हमने यहाँ से किया और लास्ट में हमारे पास में ये वैल्यू आई, क्लियर है। तो ये मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे हमारे पास में देखिए जो वैल्यू है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू में फैक्टोरियल n, और x की पावर n, ये दोनों वैल्यू सेम टू सेम है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 सेम टू सेम वैल्यू है, तो ये तो कट जाएंगी। अब जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा, तो 2 की पावर n, और 1 इंटू 3 इंटू 5, और इंटू में 2n माइनस 1, और अपॉन में फैक्टोरियल n, और x की पावर n, 2 की पावर n को x की पावर n के साथ में कर देते हैं, तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू लास्ट में 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n, और 2 की पावर n x की पावर n, ये हमारे पास में मिडिल टर्म हो जाएगा, ये हमने प्रूव कर दिया, क्लियर है। यही पूछा था 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n, 2 की पावर n x की पावर n, क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिए क्या करें, x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3 और उसकी होल पावर दी हुई 15 के विस्तार में x की पावर माइनस 17 का गुणांक ज्ञात कीजिए। इन द एक्सपेंशन ऑफ x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3 और पावर दी हुई 15, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू माइनस 17। तो यहाँ पर वैसे तो शॉर्ट तरीका भी होता है निकालने का, लेकिन जो बुक में बताया हुआ उसी तरीके से करेंगे हम। तो x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3 उसकी पावर 15 है, तो हम मान लेते हैं कि प्रसार में टी आर प्लस वन जो पद है उसमें x की पावर माइनस 17 आता है, ये मान लेते हैं। तो टी आर प्लस वन वे पद में
एक्स की पावर माइनस 17 प्राप्त होती है या होता है, ये हमने मान लिया। तो हम ये पद निकालेंगे टी आर प्लस वन पद, तो पद क्या होगा, टी आर प्लस वन बराबर हमारे पास में देखिए एन की वैल्यू तो है 15, तो 15 सी आर और एक्स की पावर 4, ये हमारे पास में एक्स की जगह है, उसकी पावर हो जाएगी 15 माइनस आर, और माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 है और उसकी पावर हो जाएगी आर। तो अब हम एक्स की जो पावर उसको अलग करेंगे, और एक्स की पावर माइनस 17 हमने माना है वो पावर, तो बराबर करेंगे उसके, कैसे देखिए 15 सी आर और एक्स की पावर यहाँ पर कितने की 4 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो 60 माइनस 4 आर होगा, माइनस 1 की पावर आर को अलग कर लेते हैं और अपॉन में एक्स की पावर 3 आर अलग हो जाएगी, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई होगा आर से तो 3 आर बनेगी पावर, 3 आर को ऊपर लेके आएंगे तो माइनस 1 की पावर आर को सबसे पहले लेकर आए, 15 सी आर एक्स की पावर 60 माइनस 4 आर, और 3 आर पावर ऊपर आएगी तो माइनस में हो जाएगी तो घट जाएगी इससे, तो माइनस 3 आर हो जाएगी, तो माइनस 1 की पावर आर 15 सी आर और एक्स की पावर 60 माइनस कितना हो जाएगा ये 437, तो माइनस 7 आर हो गया। अब हमें पता है कि ये जो पावर एक्स की 60 माइनस 7 आर, ये एक्चुअल में 60 माइनस 7 आर नहीं है, ये क्या है, एक्स की पावर माइनस 17 है, तो चूंकि एक्स की पावर 60 माइनस 7 आर इक्वल होगा एक्स की पावर माइनस 17 के, और बेस समान है तो पावर भी समान होंगी, तो 60 माइनस 7 आर इक्वल टू माइनस 17, और यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, वापस इसमें पुट करेंगे, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 7 आर को हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे प्लस का बनेगा, और माइनस 17 को लेफ्ट हैंड साइड में तो ये भी प्लस का बन जाएगा, जुड़ेंगे तो 77, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 77 में 7 का भाग देंगे तो 11, आर की वैल्यू 11 हम पुट करेंगे तो एक्स की पावर माइनस 17 का हमारे पास में कोफिशियंट ये वाली वैल्यू होगी, तो टी 11 प्लस 2, एम आप कीजिए 11 प्लस 1, ये टी आर प्लस 1 है ना, तो आर की जगह हमने 11 पुट कर दिया, तो माइनस 1 की पावर तो यहाँ पर 11 हो जाएगी और 15 सी 11, तो माइनस की पावर 11 ओड पावर है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, और 15 सी 11 की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 15 माइनस 11, फैक्टोरियल 15 को लिखेंगे हम 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 और इंटू में फैक्टोरियल 11 लिख सकते हैं, और अपॉन फैक्टोरियल 11 है और 15 माइनस 11 हो जाएगा फैक्टोरियल 4, उसको लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 11 से ये फैक्टोरियल 11 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 3 से 12 चला जाएगा, 2 से ये 14 जाएगा तो 7 बचेगा, तो हमारे पास में बचा क्या, माइनस 15 इंटू 13 इंटू 7, इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास में आंसर आ जाएगा, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले 15 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपको पढ़ा नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पहाड़े याद नहीं आते हैं, तो 15 इंटू 7 अब 15 संते 105, 15 छक्के 90 होते हैं, 15 संते 105 हो गए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 13 पंजे 65, देखिए पहाड़े तो हिंदी में बोलेंगे ना, हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम से हो गए तो इंग्लिश में बोलोगे, तो 13 इंटू 0 0 हो गया और 13 1 13 हो गया, 1365 ये वैल्यू आ रही है, तो 1365 नेगेटिव होगा, माइनस का होगा, तो ये वो हमारे पास में अक्सिपा माइनस 17 का कोफिशियंट होगा, क्लियर है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x की पावर 9 के प्रसार में अक्ष रहित पद का मान याद कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ अक्ष इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x रेस टू 9, तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे किए हैं, तो हम मान लेंगे यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x की पावर 9, हालांकि इनको निकालने का शॉर्ट तरीका भी होता है, लेकिन यहाँ पर बुक में शॉर्ट तरीका नहीं है, पूरा मेथड से हमें करना पड़ेगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x की पावर 9 के प्रसार में अगर मान लें कि टी आर प्लस 1 पद में अक्ष रहित पद है, प्रसार में टी आर प्लस 1 पद जो है अक्ष रहित पद है, अक्ष रहित पद का मतलब यह कि अक्ष की पावर उसमें 0 है, क्लियर है।
तो यहाँ पर हम टी आर प्लस अनुपात निकालेंगे तो वो क्या होगा, एन की जगह तो 9 है तो 9 सी आर और 2x स्क्वायर की पावर 9 माइनस आर और 1 अपॉन 2x की पावर आर, यही होगा। x की पावर n माइनस आर होता है और इनटू में a की पावर हमारे पास में r होता है। तो 9 सी आर यहाँ पर नेगेटिव तो कुछ है नहीं, 2 की पावर 9 माइनस आर को हमने अलग किया और x की पावर देखिए x स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई होगा 9 माइनस आर से तो 18 माइनस 2 आर हो गया और अपॉन में यहाँ पर देखिए 2 की पावर r अलग हो गया और x की पावर r अलग हो गया। हमें x की जो पावर है उनको अलग करना है क्योंकि उसकी पावर में 0 के बराबर में हम करेंगे पावर को। तो 9 सी आर और 2 की पावर यहाँ पर 9 माइनस कितना हो जाएगा, देखिए 2 की पावर r नीचे है ये ऊपर आएगी तो माइनस r, तो 9 माइनस r तो है और माइनस r और हो गया और x की पावर 18 माइनस 2 आर और x की पावर ऊपर आएगी, x की पावर r जो है ऊपर आएगी माइनस में बनेगी तो ये वैल्यू हमारे पास में आएगी 9 सी आर 2 की पावर 9 माइनस 2 आर और x की पावर 18 माइनस 3 आर हो जाएगा, 2 आर और आर 3 हो गया। अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में पावर 0 होगी यानी कि x की पावर 18 माइनस 3 आर इक्वल टू x की पावर 0 बनेगी और 0 बनेगी तो यहाँ से पावर इक्वल होंगी, बेस इक्वल है तो x 18 माइनस 3 आर इक्वल टू होगा हमारे पास में 0 और यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी, r की वैल्यू आएगी 6, r इक्वल टू 6 आ रहा है तो सातवां जो पद होगा वो अक्ष रहित पद होगा वो निकाल लेते हैं। तो टी 6 प्लस 1 यानी कि टी 7 जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, अक्ष रहित पद है तो x की पावर ये तो 0 होगी इसकी वैल्यू तो 1 होगी तो 9c और साथ में r की वैल्यू 6 तो 9c 6, 2 की पावर 9 माइनस 2 इंटू 6, r की जगह हमने 6 पुट किया। 9c 6 को लिखेंगे फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस 6 और 2 की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी 9 माइनस 12 है, 9 माइनस 12 कितना होगा, 2 की पावर माइनस 3 बनेगा, यहाँ से फैक्टोरियल 9 को खोलेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू 9 माइनस 6 3 होगा, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, ये 6 हो गया और 6 फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 चला जाएगा और 2 की पावर माइनस 3 बनेगा और वो अपॉन में आगे 2 की पावर 3 बन जाएगा प्लस में करेंगे पावर को। तो यहाँ से हम 2 की पावर 3 की वैल्यू तो 8 होगी, 8 से 8 चला जाएगा और 6 और 9 में हम दोनों में 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा यहाँ पर होगा 3, तो 7 इंटू 3 21 और 21 अपॉन 2 होगा। तो ये हमारे पास में अक्षरहित पद होगा, वैल्यू क्या आएगी अक्षरहित पद की 21 अपॉन 2 और 21 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं 10.5। क्लियर है, आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 10 में देखिए क्या कर रहा है, 1 प्लस अक्ष की पावर 20 के प्रसार में nवे पद का गुणांक तथा n प्लस 1वे पद का गुणांक 1:2 अनुपात में हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस अक्ष रेस टू 20 इफ रेशियो ऑफ nth टर्म कोफिशियंट एंड n प्लस 1 टर्म कोफिशियंट इज 1:2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसमें 1 प्लस अक्ष की पावर 20 के प्रसार में हमारे पास में पद दिए हुए हैं कि प्रसार में हमें एक तो दिया हुआ tn और उसका कोफिशियंट है और ये रेशियो दिया हुआ है साथ में tn प्लस 1 कोफिशियंट ये दिया हुआ है और दोनों का रेशियो जो है वो है 1:2। तो ये पद हम निकालेंगे और दोनों का रेशियो करेंगे, n की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे, tn हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे कि tn अपॉन tn प्लस 1 हमें निकालना है तो वो क्या होगा, उसका कोफिशियंट हमें निकालना है, दोनों का जो कोफिशियंट है वो हमें निकालना है। क्लियर है, कोफिशियंट यानी गुणांक, हिंदी में गुणांक लिखेंगे यहाँ पर और वो वैल्यू 1:2 होनी चाहिए, 1:2 को हमने बट्टा बना दिया तो 1:2 हो गया। तो यहाँ से tn क्या होगा, देखिए tn को हम लिखेंगे tn की जगह क्या लिखें, हमें 1 अलग चाहिए तो n माइनस 1 और प्लस 1 ये पद होगा क्योंकि 1 तो हमें चाहिए tr प्लस 1 की फॉर्म हम बनाएंगे तो एक जोड़ा और एक घटा दिया और एक जोड़ा उसको अलग कर लिया और घटाया उसको साथ में ले लिया और अपॉन में
टी एन प्लस वन, यहाँ पर तो प्लस वन पहले से ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और इन दोनों का गुणांक हमें लेना है, क्लियर है, दोनों का गुणांक लेना है और बराबर वन बाई टू है। तो गुणांक देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंशन की वैल्यू जो वन प्लस एक्स की पावर ट्वेंटी यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो टी एन माइनस वन प्लस वन वाला पद कौन सा होगा, तो एन की जगह तो यहाँ पर ट्वेंटी ट्वेंटी, उसके बाद में सी और आर की जगह एन माइनस वन, यही होगा। ये हमें कोफिशिएंट ही चाहिए, गुणांक ही चाहिए, ये गुणांक होगा, आगे तो एक्स की पावर यहाँ जो भी आएगी वो हमें लेना ही नहीं है, अपॉन में टी एन प्लस वन का गुणांक। तो 20 सी एन प्लस वन की जगह यहाँ पर हमें आर की वैल्यू एन है वो लेनी है, तो 20 सी एन हो गया और इक्वल्स टू वन बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा 20 सी एन माइनस वन से, और इक्वल में 1 मल्टीप्लाई होगा 20 सी एन से, इनकी वैल्यू हम निकालेंगे तो वैल्यू देखिए क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई है 20 सी एन माइनस वन से, तो ऊपर तो होगा फैक्टोरियल 20, नीचे होगा फैक्टोरियल एन माइनस वन, और साथ में फैक्टोरियल 20 माइनस एन माइनस वन, ये होगा 20 में से एन माइनस वन घटेगा, इक्वल में 20 सी एन बराबर क्या होगा, 20 का फैक्टोरियल ऊपर होगा, नीचे फैक्टोरियल एन, और साथ में 20 माइनस एन का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आप देखिए फैक्टोरियल 20 से फैक्टोरियल 20 चला जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 2 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन और फैक्टोरियल 20, यहाँ पर देखिए माइनस मल्टीप्लाई हुआ अंदर तो माइनस का एन, माइनस माइनस प्लस वन, ये वैल्यू होगी, और इक्वल में 1 अपॉन फैक्टोरियल एन, और फैक्टोरियल एन जो है उसमें हम क्या करते हैं एन को बाहर ले लेते हैं, तो बचेगा क्या अंदर, एन को बाहर लिया तो फैक्टोरियल एन माइनस वन एक कम बचेगा, और 20 माइनस एन का फैक्टोरियल है उसमें से अगर हम 20 माइनस एन को बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 20 माइनस एन माइनस वन, तो माइनस वन हमें नहीं लेना, यहाँ पर प्लस वन चाहिए, तो इसमें से हम बाहर लेंगे कॉमन, तो 20 माइनस एन को तो ऐसा घसरा नहीं देंगे, और 2 अपॉन यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल एन माइनस वन से एन माइनस वन चला जाएगा, तो 2 अपॉन यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है फैक्टोरियल में 20 माइनस एन प्लस वन, इसको हम बाहर ले लें तो अंदर एक कम बचेगा, एक कम बचेगा तो माइनस वन होगा और प्लस माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो 20 माइनस एन बचेगा एक कम, यही होगा भाई, 20 माइनस एन प्लस वन है इससे एक कम 20 माइनस एन ही तो होगा, और इक्वल में हमारे पास में 1 अपॉन एन इंटू फैक्टोरियल 20 माइनस एन है, यहाँ से 20 माइनस एन का फैक्टोरियल चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन की वैल्यू हमारे पास में होगी, 2 एन से मल्टीप्लाई होगा 2 एन इक्वल्स टू 20 माइनस एन प्लस वन, ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे, माइनस एन को ट्रांसफर करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, 3n बनेगा, 2n प्लस एन 3n और इक्वल्स टू 21, 20 प्लस 1 21 हो गया, तो n की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर कितनी आई, 21 में हम 3 से डिवाइड करेंगे, 21 को 7 आएगा, तो n की वैल्यू यहाँ पर 7 होगी, n की वैल्यू हमें पूछी थी, तो n इक्वल्स टू 7 होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारी जो एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल है 1 से लेकर 10 तक वो कम्प्लीट हो जाते हैं, अगले वीडियो में जो बचे हुए एग्जाम्पल हैं उनमें हम कितने कवर कर पाते हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ट्वेल्थ की मैथ भी शुरू कर दी है तो ट्वेल्थ वाले बच्चों को भी बताएं, टेंथ की भी शुरू कर रखी है, नाइन्थ की भी शुरू कर रखी है, तो सभी को बताएं, सबसे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आएंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँगा, तो इतना काम आप लोग ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों को, छोटी क्लास के हों बड़ी क्लास के हों, सबको बताएं चैनल के बारे में, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, वीडियोस को लाइक करवाएं, पूरे वीडियोस देखें, ये भी उनसे रिक्वेस्ट करें कि पूरे वीडियोस देखें, और कोई भी दिक्कत होती हो तो कमेंट करें, उनको व्हाट्सअप नंबर दे दें, व्हाट्सअप नंबर का वीडियो बता दें, तो चैनल पे चैनल को अच्छी तरह से उनसे सर्च करवाएं ताकि उनको पता चले भाई क्या क्या डाला हुआ चैनल के ऊपर। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।